गुड आफ्टरनून ऑल, हाउ आर यू? वी हैव फिनिश्ड वन चैप्टर, दैट इज ऑफ मैथ्स 2 इंडेक्स नंबर. आई होप यू हैव सॉल्व ऑल दी सम्स एंड योर डाउट्स आर ऑल्सो बीन सॉल्व. इफ नॉट देन प्लीज गेट बैक टू अस. नाउ टूडे आई एम स्टार्टिंग मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 विच इज लॉजिक. सो दिस इज 12th कॉमर्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 लॉजिक. दिस इज एज पर द न्यू सिलेबस. The link has already been sent to you. Quite easy chapter, quite useful chapter, weightage of 6 to 8 marks. Okay? Now, first of all, what is logical statements? Now, any statement cannot be considered as a logical statement. अगर हम किसी से बात करते हैं और हम लोग कोई अपना opinion देते हैं, वो opinion में कुछ logic होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कम से कम 100 किलो सोना है, तो बोलेंगे अरे क्या सर फेंकते हो, 100 किलो सोना किसके पास भी नहीं रहेगा. ये बात में कोई लॉजिक नहीं है. बराबर, मैं बोलता हूँ मेरे पास कम से कम 1500 ऊंट है, ये बात में कोई लॉजिक नहीं है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो सब कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते. तो लॉजिकल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? बराबर, एक्सक्लेमेटरी साइन वाले जो हो गए, जो क्वेश्चन मार्क वाले, वो कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हो गए. कौन से हो गए? तो जो स्टेटमेंट का एट अ टाइम या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू होना चाहिए. एट अ टाइम गिवन आंसर, गिवन क्वेश्चन में या तो उसका आंसर, अगर हम क्वेश्चन अगर देखें और उसका आंसर अगर या तो अपने को हाँ या अंतर ना में मिलेंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है लॉजिकल स्टेटमेंट. उसके एग्जाम्पल मैं देता हूँ. अभी सपोज के मैं बोलता हूँ कि सन राइज इन ईस्ट, तो या हाँ या तो ना, तो आंसर आएगा हाँ, ईस्ट में उगेगा और वेस्ट में जाके सेट होगा, तो आंसर आएगा हाँ. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकल स्टेटमेंट है. समझ में? अगर मैं पूछता हूँ रोम इज इन फ्रांस, बराबर, अभी इसका आंसर या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, तो ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट है. समझ में आया? तो जो लॉजिकल स्टेटमेंट है उसका आंसर या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा. अभी कौन से लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है वो समझना. जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क आता हो, समझना ध्यान से, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क आता हो, जो स्टेटमेंट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता हो, जो स्टेटमेंट में ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जाता हो, जो स्टेटमेंट किसी और के बारे में बात करता हो, ओपन स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, ये सब स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है. कौन से नहीं है? जो क्वेश्चन मार्क वाला हो, जो एक्सक्लेमेटरी वाला हो, जो रिक्वेस्ट या ऑर्डर करता हो, और जो थर्ड पर्सन के बारे में बात करता हो, ये जितने भी स्टेटमेंट है ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है. बाकी के सब स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट होंगे जिसकी या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू आएगी. सिंपल. लेट अस स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 1.1. ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा थियरी पार्ट लिखा है. लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होगा? एनी स्टेटमेंट विच हैज आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू नॉट साइमल्ड, या दो में, दोनों साथ में नहीं होगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय लेटर्स पी क्यू आर, जो भी स्टेटमेंट है वो लेटर्स पी क्यू आर से डिनोट होगे. द स्टेटमेंट विच आर नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट, नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर एक्सक्लेमेटरी साइन वाले, क्वेश्चन मार्क वाले, या टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन वाले, जो रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देने वाले, ये सब लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होंगे. दे आर नॉट द लॉजिकल स्टेटमेंट. क्लियर? स्टार्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1. इसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ आपको ये लिखना है कि लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं है. अगर है तो इसका आंसर ट्रू या तो फॉल्स आएगा, और अगर लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, दे आर नॉट, इट इज़ नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट. मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, आपको इससे काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगा. लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1. एग्जाम्पल 1, फर्स्ट, अ ट्राइंगल हैज एन साइड, हाँ या ना? ट्राइंगल बराबर है, कितनी साइड होगी? एन साइड, एन में कितनी साइड हो सकती है? बराबर है, ट्राइंगल है ना, तो 3 साइड है. एन दिया हुआ है क्या अपने को? एन का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है ना, मतलब ये ओपन स्टेटमेंट हो गया. ये किसकी? एन का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है. बराबर है, ट्राइंगल को सिर्फ 3 ही साइड हो सकती है. इसने बोलता है एन साइड, एन कितना है मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है. सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. चलो आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही लिखना है आपको, सिंपल है. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. होता है क्या?
ट्रायंगल के तीनों एंगल के एडिशन 180, यस, सो इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। और अगर लॉजिकल स्टेटमेंट है तो इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, क्या लिखना है, ट्रूथ वैल्यू। तो ये ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो ये तो ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। जो लॉजिकल स्टेटमेंट है ही नहीं, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट लिख के छोड़ देने का, जो लॉजिकल स्टेटमेंट है उसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, यू आर अमेजिंग, एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, समझ में आया। नेक्स्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, ये भी रिक्वेस्ट करने वाला चीज है, ऑर्डर देने वाला, रिक्वेस्ट देने वाला वापस आएगा, इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, इसके अंदर ध्यान से सुनना। हाँ, क्वेश्चन नंबर आएगा अपन ने कहाँ तक किया, चार तक किया। पांचवा क्वेश्चन है, देखो, माइनस रूट फोर इज इरेशनल नंबर, मेरा माइनस इरेशनल नंबर है, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज फोर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, करेक्ट, इट इज अ स्टेटमेंट एंड बोथ वैल्यूज आर गिवन, सो दिस इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। He is an actor. अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? He is an actor. Talking about third person. It is not a statement. Eight. Did you eat lunch yet? किसके बारे में बात कर रहा है? मालूम नहीं. It is not a statement. Ninth. Have a cup of cappuccino. किसको पूछ रहा है? किसको बोल रहा है? कुछ भी मालूम नहीं. It is not a statement. Okay? अभी बाकी के जो भी है वो try करो इस तरीके से. जो आपको नहीं आएगा आप आंसर करो, जो भी नहीं आएगा आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। ठीक है, ये आप देख लो एक बार, ये जो लिखना है लिख लो एक बार, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में आपको इस तरीके से आपको इसका आंसर्स लिखना है, सबके इस तरीके से आंसर्स लिख के रखो। ओके, वी आर मूविंग अहेड। ये भी इजी है, अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय लेटर्स, स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स पी क्यू आर और डॉट डॉट डॉट। अभी हम लोग देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? जो स्टेटमेंट एक से ज्यादा स्टेटमेंट को जोड़ के बनाया जाता है उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर कंबाइन होकर एक स्टेटमेंट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अभी कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए अपने को कनेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी कनेक्टिव, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लॉजिकल कनेक्टिव्स या सिर्फ कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। कनेक्टिव का काम क्या है, स्टेटमेंट को जॉइंट करता है, स्टेटमेंट को मर्ज करता है, दो स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट बना देता है। कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है, वी हैव टोटल कनेक्टिव्स, दिस आर कनेक्टिव्स एंड दिस आर द सिंबल, ध्यान से सुनो। कनेक्टिव को हम बोलेंगे एंड, इसका सिंबल है ये इस तरीके से का, फिर कनेक्टिव है और, इसका सिंबल है ये, फिर कनेक्टिव है नॉट, इसका सिंबल है ये, फिर कनेक्टिव है इफ देन, इसका सिंबल है एरो, एंड कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, इसका सिंबल है डबल एरो। ठीक है, सुनो ध्यान से, एंड होगा तो ये सिंबल आएगा, और होगा तो ये सिंबल आएगा, नॉट होगा तो ये सिंबल आएगा, इफ देन होगा तो ये सिंबल आएगा, इफ एंड ओनली इफ होगा तो ये डबल एरो का सिंबल आएगा। ठीक है, ये सब कब काम आएंगे, जब हम एक से ज़्यादा कनेक्टिव यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे कनेक्टिव करने में, तब। अभी क्या किस तरीके से यूज़ होगा ये भी आप देखते हो।
लेट अस ट्राई द नेक्स्ट एक्सरसाइज आल्सो. आपको पूरा आइडिया आ जाएगा ये कनेक्टिव किस तरीके से यूज होता है. ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल 1. Express the following statement. Example 1. Express the following statement in symbolic form. ठीक है, इसके अंदर पहला पार्ट है E is a vowel. और 2+3=5. अभी ध्यान से समझना, इसको किसके सिंबॉलिक फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है. बहुत ध्यान से समझना, आपको दो स्टेटमेंट दिया, ये पहला ये दूसरा, कनेक्टिव यूज किया है. और तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको हम हमेशा P से डिनोट करेंगे. लेट P, फिर ये दो डॉट, E इज अ वॉवेल. ठीक है, पहले इसको अपन डिनोट करो. और दूसरा स्टेटमेंट है 2+3=5. ये लिखने के बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कनेक्टिव है, और का सिंबल क्या है. ये पार्ट को अपन ने लिखा है P, ये पार्ट को लिखा है P, ये लिखा है और ये हो गया. क्लियर हो गया किस तरीके से यूज करना है. क्लियर हो गया, बहुत इजी चैप्टर है ये, आपको बोनस मार्क मिलेंगे ये चैप्टर के बोनस. दूसरा वाला पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से. मैंगो इज अ फ्रूट, ये हो जाएगा पी. बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल, बट को छोड़ दो, बट इज अ कनेक्टिव, तो पोटैटो इज अ वेजिटेबल. तो पी का आंसर आएगा मैंगो इज अ फ्रूट. यहाँ पे लिखोगे मैंगो इज अ फ्रूट. क्यू लिखोगे पोटैटो इज अ वेजिटेबल. फिर सिंबॉलिक फॉर्म बट आया, मतलब एंड यूज करना है. बट मतलब एंड, एंड यट, ये सबको आपको एंड लेना है. बट एंड, एंड का सिंबल क्या है, ये रहा. तो आएगा पी एंड क्यू. क्वेश्चन नंबर 3, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन. तो पी आएगा मिल्क इज वाइट, क्यू आएगा ग्रास इज ग्रीन, बीच में और का सिंबल है, वापस सॉल्व कर सकते हैं. समझ में आ रहा है, लाइकवाइज सॉल्व करना है आपको. अभी इसका ट्रूथ वैल्यू पूछेंगे. अभी ट्रूथ वैल्यू अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि ट्रूथ वैल्यू उसको किस तरीके से निकालना है. अभी के लिए आपको एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के सम और 1.2 के एग्जांपल 1 का 5 सम है, जिसमें से एक सम मैंने ख़त्म किया, बाकी के सम आपको लेने हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगर आगे चलते हैं, इसके अंदर ट्रूथ टेबल भी आएगा और वैल्यूज़ भी आएगा. वो ट्रूथ टेबल में आपको एक साथ सब सिखा दूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में ट्रूथ टेबल से चालू करेंगे और 1.2 का एग्जाम्पल 2 देखेंगे. ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए. सी यू, बाय.